वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज माय 56 वीडियो ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 7, चैप्टर 5, लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.3, मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर, एंगल एक्स इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, देन इसमें आपको दिया गया है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, देन इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है तो सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल एक्स जो है ग्रेटर देन है किससे, तो ये दिया है 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, तो 1/5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री कट कर दो, कितना होगा यहाँ पर 18 डिग्री। तो एक्स जो है, यहाँ देखो एक्स जो है वो 18 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लीनियर फिगर है, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यदि हम y निकालेंगे, मान लो यदि, तो y कितना हो जाएगा, x चूंकि 18 डिग्री से बड़ा है इसीलिए y क्या होगा तुम्हारा 162 डिग्री से क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, y लेस देन 162 डिग्री, ओके। 11 देखो, ए बी पैरेलल सी डी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है, और एल क्या है तो ट्रांसवर्सल है, एल क्या है तो ट्रांसवर्सल है, एक्स निकालना है, देखो इस एक्स को निकालना है, यहाँ पर देखो यहाँ भी मिसप्रिंट कर दिया है, डिग्री यहाँ पर नहीं होगा, 120 के ऊपर डिग्री होगा, एक्स प्लस 120 डिग्री, तब दोगे ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर डिग्री नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर 120 के ऊपर डिग्री होगा, ठीक। अब देखो एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा वर्टिकली, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, यहाँ देखो एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इजक्ल टू 180 डिग्री कितना होगा, 2x प्लस 120 डिग्री इजक्ल टू 180 डिग्री, 2x इजक्ल टू, इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 2x इजक्ल टू कितना होगा 60 डिग्री, और x इजक्ल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाय 2, काट दो कितना हो गया 30 डिग्री, x कितना हो गया 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। इसका 12 देखो, इसमें ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल एक्स वाई है, जो इसको जो है ट्रांसवर्सल जो है इस लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, एंगल एक्स ई ए, एक्स ई ए दिया है 115 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी, ये एंगल, इस एंगल को फाइंड करना है, देखो यहाँ पर तो ये दिस एंगल दिया है 115 डिग्री, तो दिस एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसको निकालना है, कैसे निकालोगे तो 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 65 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो गया ऑप्शन, सी हो गया 65 डिग्री, ठीक है। इसका 13 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको बनाइएगा, आसान है, ट्रू फॉल्स से भी आसान है, इसको बनाइएगा। इसका 15 देखिए, इसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, एल ट्रांसवर्सल है, ठीक है,
यहाँ पर आपको दिया गया है L परपेंडिकुलर टू AB दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है यहाँ पर L परपेंडिकुलर टू CD। तो यहाँ देखो AB पैरेलल क्या है तो CD है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल दिया है, दिस एंगल दिया है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि लाइन L पैरेलल, लाइन L परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, यहाँ देखिए सिंस AB पैरेलल CD एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, देयर फॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, बट एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फॉर एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस लाइन L परपेंडिकुलर टू CD। ओके, प्रूव्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।